खजुराहो के सपा प्रत्याशी का एक दो दिन में हो सकता है ऐलान। पूर्व विधायक पति पत्नी टिकट की रेस में विजावर के मनोज को भी मिल सकता है मौका। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच समझौता हुआ है। कांग्रेस सपा के गठबंधन में एमबी खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। खजुराहो सीट पर एक दो दिन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। संभव है कि 18 मार्च को कांग्रेस की सीईसी के पहले सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया को मुखातिब होकर बताया है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर पर है। पार्टी के पास जो नाम आए थे उन पर विचार मंथन हो चुका है। संभवतः एक दो दिन में प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी की रेस में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गरौठा सीट से दो बार सपा के विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव सबसे आगे हैं। दीप नारायण यादव 2009 में समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव 2008 में मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट से सपा की विधायक निर्वाचित हुई थी। पति पत्नी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य थे। यदि महिला कोटे में टिकट आया तो मीरा यादव खजुराहो से प्रत्याशी हो सकती हैं। डॉक्टर मनोज यादव छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा से 2023 के लिए सपा के प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन बीजेपी की पूर्व विधायक रेखा यादव ने टिकट कटने से नाराज होकर सपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद सपा ने मनोज यादव का टिकट काटकर रेखा यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। रेखा यादव ने बीजेपी के नेताओं की मान मनोवल के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया था। 2018 में सपा के खाते में गई बिजावर सीट पर 2023 में सपा का कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाया। अब विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद सपा डॉक्टर मनोज यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है।